बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। सीतामढ़ी में जिला अधिकारी ने नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों का 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय इंडोर स्टेडियम के सभागार में किया। इस दौरान अपर समाहर्ता राजस्व मनीष कुमार शर्मा, DCLR पुपरी ललित कुमार सिंह, DCLR सदर कुमार धनंजय सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद जिलाधिकारी ने सभी राजस्व कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठा, कर्तव्य पारायणता और सेवा संहिता के नियमों के अंतर्गत कार्य करने को कहा। प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम मॉडल की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने पूरे मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वयं को अपडेट करते रहना है ताकि उनके कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार जिले में राजस्व कर्मचारियों ने योगदान दिया है, इससे कार्य में तेजी आएगी। जो भी पेंडिंग आवेदन है, चाहे वे म्यूटेशन का हो या कार्य का, इसके निष्पादन में काफ़ी गति आएगी। अगली खबर पूर्वी चंपारण के सुगौली से है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय प्रशासन का बुलडोजर चला है। CO धर्मेंद्र गुप्ता व थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र के नेतृत्व में सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को खाली कराया गया। जानकारी के अनुसार दीवान चौक से मुख्य बाजार में सड़क के किनारे अतिक्रमणकारियों के द्वारा सड़क की जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसके कारण मुख्य बाजार की सड़क संकीर्ण हो गई थी। सड़कें संकीर्ण हो जाने से हमेशा जाम जैसी समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ता था। अनंत चतुर्दशी को लेकर इस बार पूर्वी चंपारण में कई जगहों पर धूम देखी जा रही है। पूजा पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना में लीन दिख रहे हैं। वहीं अगर पकड़ी दयाल अनुमंडल के देवापुर संगम घाट की बात करें तो यहाँ एक भव्य मेला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन आज स्थानीय SDO कुमार रविंद्र एवं विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ने फीता काट कर किया। मौके पर पताही प्रमुख पति रंजय पासवान, उप प्रमुख कृष्ण कुमार सिंह, 52 जिला परिषद सदस्य नसीम अख्तर सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के टिरकुइया गांव के नजदीक बदमाशों ने एक किराना व्यवसायी पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल व्यवसायी की पहचान चानकी गांव निवासी सत्यनारायण शाह के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही शिकारपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंची। वहीं सूचना पर SDPO कुंदन कुमार और थाना अध्यक्ष अजय कुमार भी अस्पताल पहुंचे और घायल का हाल जाना। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि व्यवसायी खतरे से बाहर है, इलाज चल रहा है। घटना के बारे में बताया जाता है कि सत्यनारायण साहब बेतिया से आ रहे थे, इसी बीच 3-4 की संख्या में बदमाशों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीछे से आ रहे एक अन्य वाहन को देखकर बदमाश फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद व्यवसायी समेत आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। सुगौली नगर के सिसवनिया टोला स्थित राजद अकलियत प्रदेश उपाध्यक्ष रियाजुल हक मुन्ना के आवास पर सारण स्नातक क्षेत्र की विधान परिषद वीरेंद्र नारायण यादव का भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्होंने राजद कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बाबत विधान परिषद वीरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि स्नातक मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। कोई भी सही मतदाता छूटे नहीं और कोई गलत मतदाता बने नहीं, इसके वो लेकर एक मुहिम चलाया जा रहा है। महागठबंधन के सभी नेताओं से मिलकर इस अभियान को गति देने का काम किया जा रहा है। वहीं विधान परिषद ने अपने निजी कोष से मदरसा फैजुल उलूम सुगौली के मरम्मती के लिए 3 लाख रुपए की राशि के लिए जिला नियोजन पदाधिकारी को लिखा है। आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने राजद कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। आज पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड में मैं मतदाता जागरूकता अभियान जो मैं चला रहा हूँ पूरे सारण और चंपारण में, उसी अभियान के तहत राजद के प्रसिद्ध और ख्यात नेता मुन्ना जी के पास मैं आया हूँ। हमारे साथ मोतिहारी के वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यासरण जी हैं और यहाँ कई विद्यालयों में मैंने भ्रमण किया और वहाँ मतदाता बनाने का मैंने आग्रह किया। देखिए 17 में जो मैं आप लोगों के समर्थन और सहयोग से मैं MLC बना था, तो मेरा MLC बनना बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात यह थी कि सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में ये इसकी जड़ता टूटी
इसमें जितने गलत मतदाता थे, जो बाढ़ बढ़ैया के थे, मुजफ्फरपुर के थे, और वे आते थे और मतदान करके 10 बजे तक रिजल्ट प्रकाशित हो जाता था, जो पूरे सारण और चंपारण के बुद्धिजीवी थे उनको मतदान का भी अवसर नहीं मिलता था। पश्चिमी चंपारण के मसौलिया में अनुमंडल पदाधिकारी विनोद कुमार के आदेश पर पोस्ट ऑफिस के नवनिर्मित भवन के सामने अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कुछ अतिक्रमणकारी प्रशासन की भय से खुद ही अपना अतिक्रमण हटाने लगे। इस दौरान दंडाधिकारी सह आरओ ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि नवनिर्मित डाकघर की जमीन के सामने कुल 17 लोगों ने छोटी मोटी दुकानें बनाकर अतिक्रमण कर लिया था, जिसे डाकघर से नवनिर्मित भवन में आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। अतिक्रमण को खाली कराने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मसौलिया प्रखंड के जौकटिया में न्यू डायरेक्शन एजुकेशन सेंटर में शिक्षक दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन कार्यक्रम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। नई दिशाएं शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर जय कुमार ने कहा कि सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा ही है, इसका प्रयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। वहीं मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आज 5 सितंबर के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ जौकरिया बड़ा मलाहिटला में नई दिशाएं शिक्षण संस्थान की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि बच्चों को शिक्षा के हर फील्ड में, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, डांस हो, या खेल हो, भाषण हो, उसमें आगे बढ़ाया जा सके, ताकि हमारे गाँव में उन्नति हो सके और अच्छी अच्छी नौकरियाँ आ सके। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी दिन से मेहनत किए हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब है कि देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुवतनी गांव में हुआ था। शिक्षक दिवस को देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर चंपारण के विभिन्न स्कूलों एवं कोचिंग संस्थानों में कल शिक्षक दिवस की धूम देखी गई। इस कड़ी में मोतिहारी के बाल गंगा स्थित आर्य विद्यापीठ विद्यालय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को छात्र एवं छात्राओं ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्वी चंपारण जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार थे। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने आज की शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षकों की कर्तव्य सूची में आज नैतिक शिक्षा भी शामिल हो गई है। वहीं अपने भाषण में आर्य विद्यापीठ के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा, शिक्षित समाज के गठन में शिक्षकों की भूमिका अतुलनीय रही है। सीतामढ़ी जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने आज जिला बीडी नियंत्रण कार्यालय सीतामढ़ी में दीप प्रज्वलित कर कालाजार नियंत्रणार्थ द्वितीय चक्र छिड़काव के शुभारंभ की घोषणा की और हरी झंडी दिखाकर छिड़काव दल तथा कालाजार उन्मूलन रथ को रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कालाजार उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य कर रहे राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल कायम करने वाले जिला बीडी नियंत्रण पदाधिकारी एवं सभी कर्मियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एक समय में जिले में जहां 1200 से अधिक कालाजार के मरीज थे, इस वर्ष अब मात्र 12 मरीज होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान कालाजार, डेंगू, जेई, फैलेरिया मुक्त संदेश के गुब्बारे का प्रेक्षण भी किया गया। मौके पर सिविल सर्जन, ACMO प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। बिहार के व्यवसायिक संगठनों के साथ मोतिहारी चैम्बर की आपसी सामंजस्य को बढ़ाने एवं व्यवसायिक एकता को बल देने के उद्देश्य से मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजत जयंती प्रवेश वर्ष के अवसर पर चैम्बर की इस माह की कार्यकारिणी बैठक जिले के बाहर गया में आयोजित की गई। इस बैठक के साथ साथ मोतिहारी चैम्बर की एक संयुक्त बैठक सेंट्रल बिहार मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा गया के साथ साथ पुरानी बाजार स्थित चैम्बर भवन में की गई। आपको बता दें कि इस तरह के बैठकों की यह प्रथम कड़ी थी जो अपने उद्देश्य में सफल हुई। इस बैठक में दोनों चैम्बर ने अपने अपने अब तक के इतिहास एवं क्रियाकलापों की जानकारियां साझा की। बैठक की अध्यक्षता गया चैम्बर के अध्यक्ष एवं मोतिहारी चैम्बर के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने संयुक्त रूप से की। मोतिहारी चैम्बर से इस बैठक में अनुपम जायसवाल, अंगद सिंह, तरुण कुमार, सुनील कुमार, अभिमन्यु कुमार, श्याम कुमार,
चंदू मिश्रा एवं दीपक कुमार सम्मिलित हुए। पूर्वी चंपारण जिले के पचपकड़ी ओपी के सभागार में आगामी अनंत चतुर्दशी के अवसर पर थाना अध्यक्ष अंजन कुमार की अध्यक्षता में एक शांति समिति की बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पचपकड़ी ओपी थाना अध्यक्ष अंजन कुमार ने कहा कि बोल बम कांवरियों तथा डाक बम कांवरियों की सुरक्षा में पुलिस सही तरीके से अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगी। बोलबम तथा डाकबम कांवरियों के आवागमन के दौरान किसी तरह की समस्या अथवा व्यवधान उत्पन्न न हो, इसको लेकर प्रत्येक जगह पर पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध जन और सामाजिक स्तर के लोगों ने डाकबम की सुविधाओं के लिए रोशनी, स्वच्छ पेयजल, दवा, चिकित्सा के साथ साथ अन्य प्रस्ताव को रखा। इसके साथ ही समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक बिंदुओं पर भी विचार विमर्श किया। मौके पर ढाका सर्किल इंस्पेक्टर जयप्रकाश सिंह सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे।